गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारा दूसरा दिन श्रीनगर में और सुबह के बज रहे हैं 9:45 और हम बैठे हैं लॉबी में और अपनी वेट करते हुए टैक्सी का। अभी आपको मिलाते हैं खास पर्सन। ये देखिए भाई खुद खाना खा रहे हैं और भाई बाहर बैठा हुआ है। हैं जैम लगा रहा हूँ। कैसा चल रहा है? मैं क्या शादी से पहले जैम लगा रहा हूँ, देख लो। जैम ना लगा देना कहीं। हम आई गेड़ी लगा के ये बैग रख जाए यहाँ पे और बाहर ही चलिए सड़क तक। वाजिद भाई क्या हाल है? और ये हमारे वाजिद भाई आते हुए जो हमें आज हमें श्रीनगर घुमाएंगे। और अभी हम वाजिद भाई कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले डल लेक चलते हैं। फिर हमारी गाड़ी आ चुकी है, अभी हम बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर। बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर। और इन्होंने मेरी लुपी तोड़ दी है। क्या तोड़ दी है? लुपी दिखाओगे? वो नहीं नहीं वो तो वो दिखाओ पहले लुपी शो करो। ये बानिश ने पता नहीं कौन सी पैकिंग करवाई थी। ये देखो पैकिंग ने हाथ खड़े कर दिए ठंड के कारण। और ये लुपी और ये कोट। ये हैंग ये क्या बोलते हैं इसको? लुपी। लुपी कहते हैं। सर्च करो गूगल पे क्या बोलते हैं इसको। वाजिद भाई क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हिंदी में तो लुपी। वाजिद भाई इसको क्या बोलते हैं आप? कुंडी नहीं बोलते हैं, हैंगर। ओ हैंगर नहीं, जाओ यार हैंगर नहीं बोलते इसको। आगे आगे वो आगे मारे। क्या दिखाओ? ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट आते हुए, ये स्किपरी भाई नेहा मलिक के मेकअप आर्टिस्ट हैं ये। अभी हम डल लेक जाते हुए और कश्मीर की पहली मॉर्निंग श्रीनगर। सनफ्री का जाना पर गुलमर्ग भी जाना है। गुलमर्ग अगर उससे आगे चल जाए फिर सोनमर्ग, वो पता कितनी दूर है। So finally we just पहुंच गए हैं। हाँ भैया लोग भी जा रहे हैं। और ये देखिए अन्य लोग। हेलो जी। हेलो हाँ जी। कितने मेंबर हैं आप टोटल? हमारे टोटल मेंबर हैं आप लगा लो 3-3-6-7 मेंबर हैं। 7 दो शिकर चाहिए कि 3 शिकर चाहिए? दो चाहिए। दो चाहिए। अभी हम डल लेक के अंदर शिकारे के अंदर सो रहे हैं। शूट करने का बिल्कुल मन नहीं है। 2-3 घंटे सोने का मन है लेकिन नहीं, पहले हम करेंगे शूट और फिर हम करेंगे एंजॉय। ये देखिए बानिश अपनी प्री वेडिंग करवा रहा है कि हुक्का पीने आया है यहाँ पे? ये देखिए वहाँ पे बानिश, यहाँ पे कनन, कितना डिफरेंस इन दोनों के बिटवीन। ये देखिए बस छोड़ दिया, अब चलो आओ। अभी हम बानिश को थोड़ी सी गाइडेंस करेंगे। जहाँ पे आपने छोड़ा था एक ड्रेस में खत्म हो गई है, खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट लोकेशन। अभी कनन की साड़ी गीली हो चुकी है, हुई साड़ी का पल्लू गीला हो गया हुआ है। साहिल भैया ने मेरा कोट गीला कर दिया, इसके हम पैसे काटेंगे, आधे पैसे काटेंगे। तू फोन पकड़ ले, मुझे ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। ठंडी हुई पड़ी है ठंडी। भाभी को तो ठंड नहीं लग रही थी बट भाभी को अब ठंड लग रही है। अब ठंडा मौसम आ गया है, मौसम आया डर्मी कूल का। और अभी हम गुलमर्ग जा रहे हैं। अब ये देखिए मैचिंग कपड़े डालते हुए हनीमून कपल हमारा। कैसी रही आपकी बोट राइड? बहुत अच्छी थी, हमने बहुत काफी इन्होंने एंजॉय किया, हमने सबसे ज्यादा एंजॉय किया बिल्कुल। और अभी के लिए हम आए हैं कृष्णा ढाबा, यहाँ पे अभी हमारा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों इकट्ठे ही चल रहा है, मतलब ब्रंच बोलिए। और अभी हमने ऑर्डर किया है चना भटूरा मैंने और तानिया ने अपने लिए, और साथ में एक छुटकू स्प्राइट। बस चाय यहाँ पे नहीं है, अभी चाय जो है वो आपको 12 बजे से पहले तक ही मिलेगी यहाँ पे, उसके बाद आपको चाय नहीं सर्व की जाएगी। कैसा है? डल लेक घूमने के बाद फिर उसके बाद खाना खाने के बाद हम कुछ देर होटल में आके हमने रेस्ट की और अभी हम निकल रहे हैं निशात गार्डन देखने के लिए।
तो अभी हम कुछ ही समय में निषाद गार्डन पहुंचेंगे और आपको वहां का नज़ारा दिखाएंगे। हेलो, हे गाइस, सो टुडे इज आवर डे 3 इन श्रीनगर और कल बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बहुत ज़्यादा नींद आई और इसलिए ब्लॉग का एंड भी नहीं कर पाए। निषाद बाग के बाद हमने आके खाना खाया और बस उसके बाद तो इतनी ज़बरदस्त नींद आई कि सुबह सीधा जाके 8 बजे हमारी नींद खुली और अब रेडी होके अभी हम आज गुलमर्ग के लिए जा रहे हैं और अभी बज रहे हैं 10 और हम कुछ ही समय में निकलने वाले हैं गुलमर्ग के लिए और वहाँ पे आज इंजॉय करेंगे स्नोफॉल कह रहा हूँ स्नो को, और लेट्स होप कि स्नोफॉल भी वहाँ पे होए, लेकिन अगर ना भी हो तो फिर भी स्नो तो काफ़ी है वहाँ पे और उसको हम इंजॉय करेंगे सारा का सारा। और अभी हम बैठे हैं रिसेप्शन पे एज़ यूज़ुअल अपनी गाड़ी का वेट करते हुए और कुछ ही समय में अभी निकलने वाले हम गुलमर्ग के लिए, तो चलिए रास्ते में मिलते हैं आपको। और अभी हम फिर से आए हैं कृष्णा ढाबा के ऊपर ब्रेकफास्ट करने के लिए बिकॉज भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और जो गुलमर्ग का रास्ता है वो है 1.5 घंटे का, तो इसलिए अभी हमने पहले सोचा है कि ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद फिर हम गुलमर्ग निकलते हैं। तो अभी जल्दी से हम ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पर और उसके बाद निकलते हैं गुलमर्ग। और अभी ऑर्डर किया है हमने वो है आलू प्याज का परौंठा, ताने ने मैंने आलू प्याज का किया, आपने आलू का और दही और मैंने चाय, तो बस यही ऑर्डर है हमारा और इतना हम खाएंगे फिर अभी हम आगे से गुलमर्ग जाएंगे। और बताइए गुलमर्ग जाने का एक्साइटमेंट क्यों क्यों नहीं है? हाँ यहाँ आए आप श्रीनगर में, गुलमर्ग नहीं जाओगे? क्यों? तानिया का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं गुलमर्ग ना जाऊँ, प्लान ड्रॉप करूँ किसी तरह, लेकिन उसको मैं जैसे तैसे करके अपने साथ ले आया हूँ। अब वो पहले खाना खाएगी, फिर मेडिसिन खाएगी, फिर गुलमर्ग के रास्ते से जाएगी। लेट्स सी, अभी पहुँच के बताते हैं कैसा है तानिया का हाल। मैंने बानिश कह रहा सही कहता ओ भाई रस्ते से कुछ नहीं खाना है आपा, अभी उदन कहते मोमो से मैगी खानी है ही है, तो फिर आपा रस्ते से रुकने सब रस्ते से खाने ना, मैं कहा नहीं पहले अपना ब्रेकफास्ट उस तो बाद बाकी कुछ। और अभी हम एंटर कर लिया है गुलमर्ग में, चारों तरफ बर्फ़ की चादर बिछी हुई और ये देखिए इतनी भीड़। साजन सोच के आया था कि अकेला वही होएगा गुलमर्ग में, लेकिन चारों तरफ। कहाँ पे अभी? लव यू। हैं कहाँ पे अभी? दुबई में। अभी हम दुबई में हैं। हाँ, दुबई का ट्रेनिंग चल रहा है। लोकेशन चालू। और ये देखिए एकदम हम निकलते हुए गुलमर्ग की वादियों से और सामने हमारी कवर हो गया उर्तुलू जीरो। और ये साजन अपनी तरफ फेस घुमाते हुए, हाँ जी साजन क्या हाल है? बस बढ़िया सर। बढ़िया ये है क्योंकि इसका पूरा जो पहाड़ है ना सर, हाँ जी, ये लोकेशन पे आता है। बिल्कुल सबसे खास बात है और ऊपर से अभी सन भी मतलब अच्छा है। हाँ अच्छा है, बिल्कुल है, क्लियर है, क्लियर है। मतलब अगर आपको माउंटेन का पूरा चाहिए ना, वो आपको क्लब पे जाना है आगे में जहाँ स्कीइंग होता है। हमें वो चाहिए, वो होते नहीं जो स्कूटर जिसके ऊपर बैठ के दोनों कप लड़का लड़की बैठ जाए वो चलाए। सर जी ऑन रोड वाला भी है? नहीं ऑन रोड नहीं, जो बर्फ में चलता है वो ऊपर चलता है केबल कार के ऊपर। अच्छा, ओहो बस। और अभी हम गुलमर्ग की वादियों के अंदर, चारों तरफ आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई है और ये देखिए जगह जगह बर्फ को देखकर रुकते हुए पारुल भैया एंड भाभी। भाभी बाल ठीक है आपके, ब्लड ट्रायल कैसा रहा फिर? बहुत अच्छा रहा
पारुल भैया फाइनली फिर है बर्फ देख लिया आपने? देख ली। है मजा आया? ये होती है बर्फ, ये बर्फ है। और ये देखिए लव बर्ड्स, कैसा रहा आपका फिर ये पहला बर्फ का एक्सपीरियंस? ओहो टाइम आंटी जी का है? आंटी जी अंदर। अच्छा गाड़ी में नहीं? सुन कूर तेरे मुख दा श्रृंगार अलड़े नहीं तकनियां नु जच दे ना। करें स्टार्ट फिर शूट। एक घंटा अभी मत मंगवाओ, अभी थोड़ा हम ऐसे शूट कर लेंगे फिर आप मंगवाएंगे। कितनी देर में आ जाता है हमको पहले बता देंगे आप? 10-15 मिनट में आ जाता है आपको, आधा घंटा पहले बता देंगे। यार ठंडे है पर गर्म नहीं है। और फाइनली गुलमर्ग से शूटिंग करने के बाद अभी हम बैठे हैं अपने रूम में। बहुत ज्यादा वॉट लग चुकी थी एकदम पैरों की, बहुत ज्यादा सर्दी थी। स्पेशली बानिश से पूछते हैं, बानिश मजा आया फिर अपनी प्री वेडिंग का? वो मजा आया। कितनी बार गिरे? मैं घट्टो घट्ट 5 ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿੱਗਿਆ ਬੜੀ ਜੋਤ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਗਾਈ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਗਾਈ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੜ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਟ ਥਾ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਦਾ ਕਰਨੇ ਆਏ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਮੇ ਉਹ ਹਮਨੇ ਡਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ ਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਹੁਕੇ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ 'ਚ। ਬਾਈ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। फाइनली इट्स टाइम टू चेक आउट। और अभी हम चेकआउट करने वाले हैं श्रीनगर के होटल से, और यहाँ से अभी हम चलेंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और उसके बाद वापस होटल आकर हम अपना लगेज कलेक्ट करेंगे, एंड आफ्टर दैट फिर हम चलेंगे एयरपोर्ट। यहाँ से हमारी फ्लाइट है 3 बजे अमृतसर के लिए, और जो हमें 4 बजे पहुँचाएंगी अमृतसर। तो अभी के लिए हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तू तो उठा आ गया जी, नहाता नहीं आए, बस ब्रश करके आए। मी टू, हम भी नहीं नहाए आज। चलिए ब्रेकफास्ट कर। क्या हुआ? ठंड लग गई? जिस दिन की आई हुई थी तो ठंड है ही नहीं, ठंड है ही नहीं, ठंड तो मुझे लगती ही नहीं है। इतने शॉर्ट शॉर्ट कपड़े डाल के घूम रही थी ना, और फाइनली आज ना बीमार पड़ गई, ठंड लग गई। बुखार हो गया, मैंने जैकेट से डाल ली बहुत ना। और फाइनली इट्स टाइम टू गो अमृतसर। अभी हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं, हम दोनों की सीट आगे पीछे थी फिर से, और अभी हम बैठ गए एक साथ में। देखते हैं किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई बैठने दो इकट्ठे, और अगर मान गया ठीक है, नहीं तो फिर अपनी अपनी सीट पे।